विजय करके गए हैं, यज्ञ संपन्न किया, तो वहां शक्तियों ने कहा थोड़े मिनट का खेल है, आपको तो ब्रह्म दोष लग गया है महाराज। बोले महाराज ब्रह्म दोष का क्या निदान है? कहने लगे शिव का आत्मलिंग ला करके उपासना करो तो ही ब्रह्म दोष से मुक्ति होगी। इसीलिए ब्रह्म दोष में बाबा जी हमारे विप्रदेव महामृत्युंजय 1,25,000 करवाते हैं और पृथ्वी पार्थिव की स्थापना होती है। बाकी महामृत्युंजय पार्थिव स्थापित करके घर में नहीं कराना चाहिए, उसका स्थान गौशाला है, शमशान है या फिर शिवालय है। घर के अंदर आप लघु मृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। घर के अंदर इससे ऊंची छवि नहीं रखी जा सकती, एक साथ 3 गणेश नहीं रखे जा सकते। घर के अंदर रखी हुई मूर्ति की अचल प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ये सब हमें जानना चाहिए ना। घर के अंदर जो भी आप प्रतिमा छवि रखते हैं उसकी अचल प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जलादिवास, पुष्पादिवास, अनादिवास, सह्यादिवास सब कुछ किया जाए, लेकिन घर के अंदर चल प्रतिष्ठा होती है, अस्थिर स्थिर नहीं होती। और हनुमान जी को कहा गया कि जाओ शिव का आत्मलिंग लेके आओ। हनुमान जी चले जा रहे हैं, यहां 2 स्वामी भक्त अहंकार में चूर हो गए हैं। नंदी कहता है देखता हूं मैं आज हनुमान जी किस हालत से आत्मलिंग लेंगे, वहां पहुंचे तो सही। नंदीश्वर ने अपने आप को कुष्ठ रोगी बना लिया है, फटे हुए कपड़े, दीन लीन, एकदम पड़ा हुआ। हनुमान जी का आगमन हो रहा है, नंदीश्वर ने रुदन करना चालू कर दिया है, और एक हरिभक्त, एक परमार्थी, एक गुरु का दीक्षार्थी सोने का घड़ा मिलने वाला हो तो छोड़ सकता है, लेकिन सामने अगर एक दुखिया पड़ा है उसके दर्द को बिना मिटाए बिना सेवा किए नहीं जा सकता। ऐसे सत्संगियों को तो हम साहब बार बार प्रणाम करते हैं, यही परमार्थ की भावना। हनुमान जी के पास समय बहुत कम है, नंदी ने कुष्ठ रोगी भी बनकर के माया खेला है। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। नंदी का सेवा किया, फिर उन्होंने कहा मेरे जख्म भरे जा सकते हैं। नंदी ने कहा हनुमान जी से कि हमारे जख्म भरे जा सकते हैं, लेकिन इस पे लगाने वाली वनस्पति यहां मिलेगी जो बहुत ही दूर है ना। तो वो कहावत है ना तिवारी बाबा, नहारा है इश्क ना दुनिया थकी है, कि नहारा है इश्क न दुनिया थकी है। हवा चल रही है, भक्ति करने वाले कभी थके नहीं। प्रहलाद ने
तो हिरण्यकश्यप पर्वत बन गया, मीरा ने भक्ति की तो राणा बन गया, लेकिन आलोचना की हवा चलती थी, चलती है, चलती रहेगी, लेकिन भक्ति का दीपक जलता था, जलता है, जलता ही रहेगा। बड़ा गुमान करते हैं तूफान, हम दीप को बुझा देते हैं। बड़ा गुमान और नाच करते हैं तूफान, हम दीप को बुझा देते हैं। कदरदान तो हम उस दिन हो जाएं जब ये जला के दिखा दे। करके ला करके मरहम पट्टी और बटन लगाया, अब हनुमान जी के पास और भी कम सम पड़ा है, क्योंकि ध्यान देंगे विप्र देवता यज्ञ के जो तीनों स्टेप आप बनाते हैं ना, वो तीनों गुणों के प्रतीक हैं, रजो तमो सतो। यज्ञ जब आप करते हो तो यज्ञ कुंड जब तक भर के इस मुद्रा में चरु ऊपर नहीं आए तब तक पूर्णावती का अधिकार नहीं होता, और जब तक उसके अंदर का द्रव्य भस्म नहीं हो जाए तब तक यज्ञ फलित नहीं होता, क्योंकि अग्नि भगवान श्री हरि नारायण का मुख है। इसलिए यज्ञ पूर्णावती के बाद उसको वस्त्र भी चढ़ाते हैं, दुग्ध धार भी चढ़ाते हैं। चंडी पाठ अगर आप करेंगे और डीप पढ़ाई करेंगे तो हर अध्याय के बाद में फल से, शहद से आहुतियां दी जाती हैं, और अष्टम अध्याय में तो रक्त दंता की बात है, तो वहां अगर कुछ नहीं है तो दाढ़ी यानी अनार के फल की आहुतियां दी जाती हैं। तो यज्ञ से बड़ा मित्र नहीं और यज्ञ से बड़ा शत्रु नहीं। हनुमान जी के बारे में अब आप कल्पना करिए, अयोध्या पे ब्रह्म दोष लगा है, पूर्णाहुति का समय आ रहा है, अमृत योग सर्वात सिद्धि पुष्य नक्षत्र, ये आपका इंतजार करेंगे क्या? अब ऐसी दशा में हनुमान जी के पास क्या होगा? पुष्य नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग हो, उसमें हवन होना है और पूर्णाहुति करानी है, बहुत कम समय है। हनुमान जी शिव के सामने प्रस्तुत होते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। हनुमान जी से शिव जी ने कहा, बोलो क्या सेवा करें? बोले, प्रभु आप मुझे अपना आत्मलिंग दे दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे सबसे प्रिय कोई चीज मांगे आप दोगे क्या? वो बात अलग है,
कि आजकल 100 रुपये से लेकर 5000 में श्री यंत्र बिक रहे हैं। एटीएम कोई देगा? बाकी ठीक है, चला रहे हैं दुकानदारी। हाँ भाई, अगर श्री यंत्र में सर्वस्व है और श्री आपको राजा बना सकती है तो पंडित जी क्यों देंगे? और दुकानदारी चला रहे हैं। भगवान की यही तो माया है, भक्तों के लिए कभी प्लास्टिक में बिक जाते हैं, कभी कपड़े में बिक जाते हैं, कभी मिट्टी में बन जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे ही बच्चे हैं, कभी भूखे ना सोएं। इसीलिए तो परमात्मा है, है? भगवान शंकर से आज हनुमान जी मांगा भी क्या है? आत्मलिंग। यही प्रमाण होता है ना तिवारी बाबा, जहां पिंड है वहीं ब्रह्म है। अब हनुमान जी ने वात्सल्य भाव का प्रयोग किया और बड़े ही विवेक पूर्ण तरीके से कहा, महाराज मैं आपसे तो कुछ मांग ही नहीं रहा हूं और मैं मेरे लिए भी नहीं मांग रहा हूं, मैं तो उनके लिए मांग रहा हूं जो आपके आराध्य हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके। और यहां प्रमाण यह है कि जिसको अपनी प्रिय वस्तु लिटा करके भी लोगों का कल्याण करने की आदत आ जाए, उसे परमात्मा नर से नारायण बना देता है। शिव जी से हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं आपकी चीज थोड़ी मांग रहा हूं, मैं तो जिसकी वस्तु है उसके लिए वो मांग रहा हूं। वात्सल्य भाव में हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आप रात दिन किसका चिंतन करते हो? बोले भगवान विष्णु का। तो भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? बोले मेरे जीवात्मा में, मेरे हृदय में, मेरे मानस पटल पे। तो बोले वो शिवलिंग पे अधिकार किसका हुआ जो वहां रहता है? ऐसे तो वात्सल्य भाव से, विवेक से लेकर के हनुमान जी महाराज ने शिवलिंग लिया, अवध में पहुंचे और वहां जब पूर्णाहुति शिव की आराधना हो गई, तब अयोध्या ब्रह्म दोष से मुक्त हुई, क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल से था। कारण कुछ भी रहा हो, कारण कुछ भी रहा हो, क्षत्रिय थे। और ऐसे कहा गया है ना कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। आज सृष्टि की रचना की बात हो रही है, आज भगवान को लगता है कि सृष्टि किया जाए, योग माया का विस्तार किया, जल से एक कमल निकलता है, कमल के पुष्प से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और जिनके उसमें समस्त लोकों की कल्पना की गई, और वैष्णव के लिए वो सबसे स्वात्मिक समस्त सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया। एतन्नावतारं निधानां बीजं व्ययं यस्यांशेन सृज्यते देवती नारदयः। इन्हीं को नारायण कहा गया, भगवान के अच्छे पुत्र हैं नारायण कहा गया। अब सृष्टि निर्माण की तरफ चलते हैं, इससे पहले चंद पर आप लोग एक सुंदर सा चेतावनी दी थी हमारे साथ कि बैठ अकेला दो घड़ी, न महफिल में होगी न मेले में होगी, और मेरे दिल की बातें अकेले में होंगी। क्यों सरकार, दुनिया से क्यों रोएंगे? शेखावत साहब बताइए। अरे जख्मे दिल हम दिखा नहीं सकते, जख्मे दिल हम दिखा नहीं सकते, आप मरहम नहीं लगा सकते। जख्मे दिल हम दिखा नहीं सकते, आप मरहम नहीं लगा सकते,
अगर इजाजत नहीं है साकी की, जाम अपना नहीं उठा सकते, और मेरे दिल ने उन्हें ही चाहा जिन्हें अपना नहीं बना सकते। बैठे अकेला दो घड़ी, कभी तो हरी गुण गाया कर, बैठे अकेला।